स्वागत है आप सभी का। आज के इस क्विज में हम बात करने वाले हैं इंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित एमसीक्यूज के, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ स्कूली छात्रों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला सवाल है, इनमें से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मिक्स ग्लैंड कौन सी है। मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो इसमें अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों नेचर होते हैं, जिसका लगभग 98% भाग एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में होता है, जबकि 2% पार्ट इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में होता है। और इसके ऑप्शंस हैं अग्नाशय या पैंक्रियास, बी थायराइड ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि और डी एड्रिनल ग्रंथि। आज का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और आपके ऑप्शंस हैं अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, यूज ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध की मात्रा बढ़ाने में महत्वपूर्ण हार्मोन्स है। यह प्रेगनेंसी के पश्चात स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। और इसका सही जवाब क्या है देखते हैं। और इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह कौन सी ग्रंथि है जो बचपन में बड़े आकार की होती है लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है छोटी होने लगती है। और इसके ऑप्शंस हैं थैमस ग्रंथि, अग्नाशय, प्लेसेंटा या पैराथायराइड ग्लैंड। हम उस ग्रंथि की बात करते हैं जो बच्चों में इम्यूनिटी पावर को प्रदान करती है। इसका सही जवाब है थायमस ग्रंथि। आज का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। और इसके ऑप्शंस है अमाशयी ग्रंथि से, आंत्रीय ग्रंथि से, त्वचा से या अपरा से। इसका सही जवाब है अमाशयी ग्रंथि से, अमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियों से। पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूत्र की जांच करने पर कौन सा हार्मोन गर्भाधान की स्थिति को व्यक्त करता है। और आपके ऑप्शंस हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, CGH, कोरियोनिक गोनोडोट्रॉपिक हार्मोन। इसका सही जवाब है CGH हार्मोन, कोरियोनिक गोनोडोट्रॉपिक हार्मोन। आज का छठवां प्रश्न है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किन ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। और आपके ऑप्शंस है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, अंडाशय एवं अपरा या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। मूत्र की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। आपके ऑप्शंस है ऑक्सीटोसिन, वेशोप्रोसिन, रिलैक्सिन या सोमेटोस्टेटिन। इसका सही जवाब है वेशोप्रेसिन हार्मोन या ADH हार्मोन, जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं।
यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली के द्वारा स्रावित किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय में पाए जाने वाले लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? और आपके ऑप्शंस है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन या इनमें से कोई नहीं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण होता है, जबकि बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस हार्मोन की कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है? और आपके ऑप्शंस है एसटीएच, एफएसएच, टीएसएच या CGH। इसका सही जवाब है एसटीएच हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपाली के द्वारा एडिनोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा स्रावित होता है और यह ग्रोथ को रेगुलेट करने का कार्य करता है। आज का दसवां सवाल है, किस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, डायबिटोजेनिक हार्मोन या कॉर्टिसोन को? इसका सही जवाब है एड्रेनलिन हार्मोन, या जिसे हम एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला रीजन से स्रावित होता है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट shivstudypoint.com पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।